बटेश्वर घाट पर यमुना मैया की बनारस काशी की तर्ज पर महाआरती का हुआ आयोजन। जी हाँ, हजारों दीपों की रोशनी से जगमग हुआ बटेश्वर महादेव यमुना मैया का घाट। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर धाम में शुक्रवार की शाम दीपों की रोशनी के साथ अटखेलियां करती कालंदी की लहरें, भक्तों के मुख पर यमुना मैया और बटेश्वर महादेव के जय घोष घोषों ने उस प्रांगण को चार चांद लगा दिए। इसी के साथ तीर्थराज बटेश्वर धाम में यमुना मैया की आरती का भव्य शुभारंभ किया गया। बटेश्वर घाट पर शाम होते ही हजारों दीपों से जगमग हो गई यमुना मैया का किनारा। मंदिर के पुजारी राकेश वाजपेयी संतोष गोस्वामी ने यमुना मैया का सबसे पहले पूजन किया, उसके बाद नदी में जलते हुए दीपक बहाए गए। इससे मंदिर की भव्यता और सौंदर्यता देखने लायक थी। हिंदू रीति रिवाज के साथ यमुना का पूजन के बाद यशोगान हुआ। बटेश्वर तीर्थ स्थल ट्रस्ट के ध्रुव कुमार शर्मा ने बताया कि मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी के निर्देश पर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमावस्या पर यमुना मैया की महाआरती का आयोजन किया गया। धाम में आसपास के गांव के लोग भी इस महाआरती में बड़ी संख्या में उपस्थित होकर बाबा कैलाशपति भोले शंकर को रिझाने के लिए शामिल हुए। बटेश्वर भोले बाबा के जय घोष के गुंजायमान से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे स्वयं भोले बाबा अपने भक्तों पर यमुना मैया का जल से छिड़काव कर रहे हों। इस दौरान मंदिर प्रबंधक अजय भदौरिया, अलकेंद्र जादव, विक्की तोमर, सोनू, ललित गोस्वामी व अन्य लोग मौजूद रहे। बटेश्वर घाट पर कई दफा इस प्रकार की आयोजन हो चुके हैं पूर्व में, लेकिन इस बार बनारस काशी के तर्ज पर महाआरती का आयोजन हुआ। हजारों दीपों की रोशनी से जगमग हो उठा बटेश्वर महादेव यमुना मैया का तट। उत्तर प्रदेश के बटेश्वर धाम में शुक्रवार की शाम दीपों की रोशनी के साथ अटखेलियां करती कालंदी की लहरें यमुना मैया के तट पर देखने लायक थी। यमुना मैया और बटेश्वर महादेव के जय घोषों ने उस प्रांगण को भव्यता और चार चांद लगा दिए। इसी के साथ तीर्थराज बटेश्वर धाम में यमुना मैया के आरती का भव्य शुभारंभ किया गया। बटेश्वर घाट पर जैसे जैसे शाम होती गई हजारों दीपों से जगमग हो गई यमुना मैया का तट। मंदिर के पुजारी राकेश वाजपेयी संतोष गोस्वामी समेत आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में बटेश्वर धाम पर पहुंचे, जहां सबसे पहले यमुना मैया का पूजन हुआ, उसके बाद नदी में जलते हुए दीपक बहाए गए। इससे मंदिर की भव्यता और सौंदर्यता देखने लायक थी। हिंदू रीति रिवाज के साथ यमुना पूजन के साथ यशोगान हुआ। बटेश्वर तीर्थ स्थल ट्रस्ट के ध्रुव कुमार शर्मा ने बताया कि मंडलायुक्त ऋतु माहेश्वरी के निर्देश पर ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं और खासकर अमावस्या पर यमुना मैया की महाआरती का आयोजन किया गया। धाम में आसपास के गांव के लोग भी इस महाआरती में बड़ी संख्या में मौजूद रहे। कैलाशपति भोले शंकर को रिझाने के लिए शामिल हुए। बटेश्वर भोले बाबा के जय घोष के गुंजायमान से ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं वो त्रिनेत्रधारी भोले बाबा अपने भक्तों पर यमुना मैया का जल से छिड़काव कर रहे हों। इस दौरान मंदिर प्रबंधक अजय भदौरिया, अलकेंद्र जादव, विक्की तोमर, सोनू, ललित गोस्वामी व अन्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। महाआरती का आयोजन हुआ। देखिए खास रिपोर्ट। हर अपडेट देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में बेल आइकॉन दबाएं ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। जय जय भोले शंकर।